हेलो अरुण, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगी लर्नर्स पॉइंट पर। जैसा कि आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट हमारा थर्ड हुआ था तो उसके आंसर शीट के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जो राइट आंसर थे और यहाँ पर जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है यार, हाँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए यार हाँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का नया सीख लेते हैं। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अंडा उत्पादन लिया जाता है, तो यहाँ अगर बात करते हैं भारत, तो भारत में सर्वाधिक जो अंडा उत्पादन लिया जाता है, जो एग प्रोडक्शन लिया जाता है, ये लिया जाता है आंध्र प्रदेश में लिया जाता है। राइट आंसर कौन सा था? फोर्थ ऑप्शन था। यहाँ सर्वाधिक जो एग प्रोडक्शन लिया जाता है भारत में, ये लिया जाता है आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अंडा प्रोडक्शन लिया जाता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो राजस्थान के संदर्भ में यहाँ आपका राइट आंसर क्या होता है? अजमेर में होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं भारत, तो यार हाँ भारत में सर्वाधिक जो अंडा उत्पादन लिया जाता है ये कहाँ पर लिया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और अगर बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में कहाँ पर लिया जाता है? ये लिया जाता है अजमेर में। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाय के किस नस्ल के बैल बड़े आकार के तेज भागने वाले होते हैं। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना था। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी नस्लें जिसके बैल क्या होते हैं? तेज भागने वाले प्रसिद्ध होते हैं, अर्थात तेज भागने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो कौन से थे यार? हाँ, नागौरी की बैल। ठीक है, हमने आपको कई बार बताया था और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए यहाँ विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि नागौरी की जो बैल होते हैं, नागौरी बैल होते हैं, वो यार हाँ तेज भागने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बछड़े को उसके शरीर भाग का कौन सा भाग खींच पिलाना चाहिए, अर्थात यार कितना परसेंट भाग? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको डिटेल में करवाया था और यार हाँ खींच से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए हाँ खींच से जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को रट लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया बछड़े को उसके शरीर भाग का कौन सा भाग दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 1/10 हिस्सा, अर्थात यहाँ कि उसका 10वां भाग कितना दिया जाता है यार? हाँ उसका जितना भी शरीर है, अर्थात उसका जितना भी जो बॉडी वेट है, उसका यार हाँ 10वां परसेंट, अर्थात यार 10वां भाग दिया जाता है उसे। कितना दिया जाता है? 10वां भाग दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्राउजिंग किसकी आदत होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्राउजिंग होती क्या है। तो यहाँ ब्राउजिंग का मतलब होता है किसी भी प्लांट पार्ट को खाना। ठीक है, किसी भी जो प्लांट मटेरियल होता है, जैसे कि आप मान सकते हो कि लीफ हुआ, स्टेम हुआ, रूट हुआ, कोई सा भी, यानी कोई सा भी प्लांट मटेरियल अगर खा रहा है तो उसे बोला जाता है ब्राउजिंग। और ये मुख्यतः जो खास विशेषता होती है, अर्थात जो मेन करेक्टर होता है, ये किसका होता है? ये होता है बकरी का होता है। राइट आंसर कौन सा होता है यहाँ? फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि यार हाँ ब्राउजिंग की अगर बात करते हैं, सबसे पहले यार हाँ कि ब्राउजिंग होती क्या है, यार हाँ किसी भी प्लांट मटेरियल को खाना या फिर ईटन करना ही क्या कहलाता है? यार हाँ ब्राउजिंग कहलाता है। और ये मेन आदत या फिर मेन करेक्टर किसका होता है? ये होता है बकरी का होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खेजड़ी के फलियों को किस नाम से जाना जाता है। अब याद रखना, ये राजस्थान जीके में भी आपसे पूछा जाता है, वैसे आपसे पूछा भी गया था पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर लिया गया इस क्वेश्चन को। तो यार हाँ अगर बात करते हैं खेजड़ी की फलियों को किस नाम से जाना जाता है, तो पतड़ा, पातड़ी, सांगरी और सभी। इस क्वेश्चन में आपने लगभग गलत किया था। ठीक है, मैंने देखा है आपकी आंसर शीट, उसमें लगभग आपने इस यानी जो ये क्वेश्चन है तो इसको आंसर गलत किया था। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी थी, यहाँ अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है खेजड़ी की फलियों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पतड़ा बोलते हैं, पातड़ी बोलते हैं और सांगरी बोलते हैं। अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा, सॉरी। यहाँ पर आपको पूछा गया है खेजड़ी की फलियों को, तो खेजड़ी की फलियों यहाँ पतड़ा, पातड़ी या सांगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे आपको ऑप्शन में मेन जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सांगरी। ठीक है, मेन जो होता है वैसे ये बोला सा है सांगरी, लेकिन अगर आपको तीनों ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं और जो फोर्थ ऑप्शन है ये अगर सभी है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ सभी ही होगा। ठीक है, सांगरी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सभी होगा। इसलिए यहाँ खेजड़ी की फलियों को किस नाम से जाना जाता है? पतड़ा, पातड़ी या फिर सांगरी के नाम से जाना सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय व भैंस की नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। यहाँ अगर बात होता है गाय और भैंस की, ठीक है, अगर बात करते हैं गाय और भैंस की जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है, ये ज्ञात की जाती है यहाँ कोक्सीजियल धमनी से। किससे ज्ञात की जाती है? कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। किसी ने दोनों आंसर दिए थे राइट आंसर, तो ये राइट आंसर नहीं है भाई, थोड़ा सा सोच समझ के राइट आंसर दिया करो। ठीक है, तो यहाँ गाय और भैंस की अगर बात करते हैं नाड़ी गति की, तो राइट आंसर क्या होगा? कोक्सीजियल धमनी होगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं भेड़ बकरी, तो भेड़ बकरी में यहाँ फेमोरल धमनी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है फिताकर्मी होता है। तो यहाँ फिताकर्मी एक द्विलिंगी होता है, क्या होता है, जो टैपवर्म होता है अर्थात जो फिताकर्मी होता है ये क्या होता है, एक उभयलिंगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है मोहेर ऊन की प्राप्ति की जाती है, अर्थात यार जो मोहेर ऊन होती है जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है मोहेर ऊन, तो ये किससे प्राप्त की जाती है, भेड़ से, बकरी से, याक से या फिर इन सभी से। तो यहाँ अगर बात होते हैं मोहेर ऊन, तो मोहेर ऊन यार हम बकरी से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, ये की जाती है बकरी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है बुल होल्डर, बुल लॉजरिंग, एंटी गोट कीकर का उपयोग किसके लिए कैसा है। बुल होल्डर, बुल लॉजरिंग, एंटी कोड का कीकर का जो होता है, ये सब यार इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग किसके लिए कैसा है, इन सभी का प्रयोग कैसा है, यहाँ पशुओं को नियंत्रित करने के लिए किसके लिए कैसा है। यहाँ कि बुल होल्डर, बुल लॉजरिंग, एंटी कोड कीकर, इन सभी के इक्विपमेंट का प्रयोग कैसा है, पशुओं को नियंत्रित करने के लिए। किसका कैसा है, पशुओं को कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए कैसा है। ठीक है, ये सभी राइट आंसर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ गिराने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। गिराने के लिए मुख्यतः यहाँ रस्सी का प्रयोग किया जाता है, रस्सी से बांधकर उन्हें गिरा दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं दवाई, तो दवाई के लिए एक स्पेशली उनके मुँह में कुछ डाला जाता है, उसका नाम तो अभी मुझे याद आ नहीं रहा, तो मुँह में कुछ डाला जाता है उसके बाद में उसे दवाई पिला दी जाती है। इसलिए यहाँ अगर बात करते हैं बुल होल्डर, बुल लॉजरिंग और एंटी कोड कीकर, तो इन सभी को यहाँ प्रयोग किया जाता है, ये कैसा है, पशुओं को नियंत्रित करने के लिए कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है राजस्थान की मेरिनो भेड़ को, यानी मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को किया जाता है, कहा जाता है ये, ठीक है, किया नहीं जाता बल्कि कहा जाता है। वैसे आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की मेरिनो के नाम से किसान नस्ल है, तो ये बोला सा है चोकला को बोला सा है, किसी को बोला सा है, हाँ चोकला को बोला सा है। ये किसान लगभग सभी स्टूडेंट ने क्लियर किया है क्योंकि इसको हमने कई बार पहले भी क्लियर कर रखा है। तो यहाँ राजस्थान की मेरिनो किसे बोला सा है, चोकला भेड़ को बोला सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी नस्ल के द्वारा प्रतिवर्ष अंडे दिए जाता है। ये तो आपको पता होगा यार, हम व्हाइट लेगहॉर्न होती है इसके द्वारा सबसे ज़्यादा अंडे दिए जाते हैं प्रतिवर्ष, लेकिन कितने दिए जाते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि व्हाइट लेगहॉर्न होती है तो इसके द्वारा प्रतिवर्ष कितने अंडे दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 240 अंडे दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 240 अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यापारिक दृष्टि से उच्च कोटि का मांस किस मुर्गी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है हाई क्वालिटी, अर्थात यहाँ उच्च कोटि का जो मांस है ये किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है, प्लाईमाउथ रोग से, असील से, कड़कनाथ से, फिर इन सभी से। तो यहाँ अगर बात करते हैं उच्च कोटि का जो मांस आपको प्राप्त करना है और वो करना है यार हाई क्वालिटी का, तो वो हम प्राप्त करेंगे प्लाईमाउथ रोग से। किससे प्राप्त करेंगे यार, प्लाईमाउथ रोग से। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, व्यापारिक दृष्टि से उच्च कोटि का मांस किससे प्राप्त किया जाता है, ये कैसा है, प्लाईमाउथ रोग से कैसा है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि काला मांस किससे प्राप्त किया जाता है, तो यार काला मांस के लिए प्रसिद्ध है कड़कनाथ। ठीक है, काला मांस की अगर बात करते हैं तो काला मांस के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सी होती है, कड़कनाथ। ठीक है, याद रहेगा, हाई क्वालिटी की अगर बात करता है तो प्लाईमाउथ रोग, और काला मांस की अगर बात करते हैं तो उसका राइट आंसर क्या होता, कड़कनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों को शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अंडे सहने का उपयुक्त समय होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है अंडे सहने का उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो इसको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप इजिली ले लेते हो, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडे सहने का जो उपयुक्त समय होता है ये कौन सा होता है, ये होता है फरवरी से मार्च। कौन सा होता है उपयुक्त समय अंडे सेने का, ये होता है फरवरी से मार्च का समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है, तो ये क्वेश्चन भी यार आपसे एग्जाम में पूछा गया था। यार सभी जहाँ यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन को लिया जा रहा है वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए यहाँ पर लिया गया था, और हमने इसका आपको पहले ही सिलेबस बता दिया था। तो इस क्वेश्चन के यानी इस आंसर शीट में या फिर इस टेस्ट में अगर जिसके भी अच्छे नंबर नहीं आए तो भाई आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझ के यानी सोच समझ के पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम पास है। ठीक है, कोई टाइम पास मत करिए। तो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे यार मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है, तो ये होता है 58 ग्राम होता है। कितना होता है यार औसत भार की अगर बात करते हैं, जो एवरेज वेट होता है अंडे का ये होता है 58 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच रहे कि कुक्कुट परियोजना निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ अगर बात करते हैं कुक्कुट परियोजना निदेशालय तो ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर यार, हाँ कुक्कुट परियोजना निदेशालय अर्थात डायरेक्टर ऑफ कुक्कुट ये कहाँ पर स्थित है, ये होता है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वे मुर्गियाँ जिन्हें मांस के लिए पाला जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। वे मुर्गियाँ जिन्हें यार हम मांस के लिए पाला जाता है तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें बोला जाता है हम ब्रॉयलर्स। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि अगर पूछा जाता है मांस के लिए, यार हम मांस के लिए जिन नस्लों को पाला जाता है अर्थात जिन मुर्गियों को पाला जाता है उन्हें बोला जाता है ब्रॉयलर्स। लेकिन अगर बात करते हैं यार हाँ अंडे देने के लिए, ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि वे मुर्गियाँ जिन्हें मांस के लिए पाला जाता है उन्हें तो बोला जाता है ब्रॉयलर्स, लेकिन अगर बात करते हैं अंडे तो उन्हें बोला जाता है लेयर्स। ठीक है, लेयर्स किसे बोला जाता है, जिन मुर्गियों को अंडे के लिए पाला जाता है उन्हें लेयर्स बोला जाता है, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर बोला जाता है। और अगर बात करते हैं ग्रोवर, तो यहाँ ग्रोवर मैनेजमेंट जो राशन दिया जाता है, ठीक है, ग्रोवर मैनेजमेंट अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाता है तो ग्रोवर मैनेजमेंट का मतलब होता है जो उसे खान पान या फिर जीवन निर्वाह के लिए जो राशन दिया जाता है उसे बोला जाता है ग्रोअर मैनेजमेंट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वे औषधियां जिन्हें खिलाने पर दस्त आने लगते हैं अर्थात यहाँ दस्त को वो बढ़ावा देती है, तो वे दवाई किस नाम से जानी जाती है, रेचक विरेचक या फिर दोनों। यहाँ अगर बात करते हैं दस्त आने, ठीक है, दस्त को जो स्टार्ट करती है उन्हें यहाँ दोनों ही नाम से जाना जाता है अर्थात रेचक या विरेचक, दोनों एक ही नाम होते हैं। ठीक है, रेचक या विरेचक दोनों एक ही नाम होते हैं और ये दोनों ही क्या कार्य करती है, यहाँ ये होती है अर्थात दस्त लगाने का कार्य करती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा होता है आपका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं, पशुशाला की दीवार नालियों को साफ किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, पशुशाला की आपको दीवार और नालियों को आपको साफ करना है, लेकिन आप किसके द्वारा करोगे। तो यार अगर बात करें पशुशाला का जो होता है दीवार या नालियाँ, इनको साफ किया जाता है फिनाइल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ फिनाइल के द्वारा किया जाता है। और कितना किया जाता है, यहाँ फिनाइल के 1% घोल से किया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं पशुशाला की जो दीवार और जो नालियाँ होती है तो इनको साफ किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है फिनाइल के द्वारा। और फिनाइल का यहाँ 1% घोल से किया जाता है, किससे किया जाता है, 1% घोल से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे, एक चिली ऑफ द अर्डर, चिली ऑफ द अर्डर किस रोग का अन्य नाम होता है, तो यहाँ चिली ऑफ द अर्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने शायद ही सुना होगा ये नाम। तो यहाँ अगर बात करते हैं चिली ऑफ अर्डर तो ये किसका नाम होता है, ये थनेला का ही होता है। ठीक है, चिली ऑफ द अर्डर या फिर आप बोल सकते हो मेस्टाइटिस, यहाँ ये सभी नाम किसके होते हैं, थनेला रोग के ही होते हैं। किसके होते हैं, यहाँ चिली ऑफ द अर्डर या फिर मेस्टाइटिस, ये सभी किसके होते हैं, ये होते हैं थनेला रोग के होते हैं। किसके होते हैं, थनेला रोग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेंगे, मादा द्वारा अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़कर बैठ जाना किस रोग की मुख्य पहचान होती है। तो ये इस क्वेश्चन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि अगर आपसे पूछते हैं ऐसा कौन सा रोग है जिसमें यहाँ मादा पशु क्या होता है, गर्दन को पीछे की ओर कर मुड़ जाता है या फिर बैठ जाता है, तो वो कौन सा रोग होता है, ये होता है मिल्क फीवर होता है, दुग्ध ज्वर होता है। ठीक है, इसका एक मुख्य पहचान होती है दुग्ध ज्वर की, जो रोग होता है एक यार हाँ मिल्क ज्वर किससे होता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कैल्शियम की कमी से होता है, किससे होता है दुग्ध ज्वर या फिर जो मिल्क फीवर होता है ये किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, ये होता है कैल्शियम की कमी से। और अगर बात करते हैं इसका जो मेन करेक्टर होता है दुग्ध ज्वर की, जो पहचान का जो मेन करेक्टर होता है ये कौन सा होता है, ये होता है यहाँ कि इसमें क्या होती है, ये जो मादा पशु होता है ये अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ कर बैठ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब जहर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में जो कि स्थित है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि NDDB की जो स्थापना है ये कब की गई थी, अर्थात यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर स्थित है, आनंद गुजरात में, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। कब की गई थी, 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दुग्ध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया प्रोटीन का जो फॉर्म होती है किस फॉर्म में होती है, तो यहाँ अगर बात करते हैं प्रोटीन तो प्रोटीन यहाँ इमल्सन या पाइस के फॉर्म में होती है, अर्थात यहाँ किस रूप में होती है प्रोटीन, ये होती है इमल्सन या पाइस। ठीक है, इमल्सन भी इसे बोल सकते हो आप, ये दोनों ही एक ही नाम होते हैं इमल्सन या पाइस, यहाँ इमल्सन या पाइस दोनों एक ही होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दूध में जो प्रोटीन होती है किस फॉर्म में होती है, तो ये होती है इमल्सन या पाइस के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध की वसा ज्ञात करने के लिए दूध नमूने में कितना दूध लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है जो दुग्ध सैंपल लिया जाता है, जो मिल्क सैंपल लिया जाता है, तो उसमें जो मिल्क की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए यहाँ इसे रट लेना, कैसे भी करना, बस इसकी एग्जैक्ट आपको मात्रा याद होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ अगर बात करते हैं जो वसा ज्ञात करने के लिए, इसलिए यहाँ जो दुग्ध सैंपल लिया जाता है, जो मिल्क सैंपल लिया जाता है, तो इसकी क्वांटिटी क्या रखते हैं, ये रखते हैं 10.75 ml। कितने रखते हैं, 10.75 ml लगते हैं। कितने लगते हैं, 10.75 ml लगते हैं। ठीक है, याद रखने ना, कितने लेते हैं मात्रा, 10.75 ml लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अच्छी किस्मत छेना किसके दूध का बनता है। अब यहाँ पर याद है इस क्वेश्चन को भी आपने गलत किया है, तो भाई क्यों किया है, मैंने आपको कई बार बताया नहीं क्या कि अगर बात करते हैं छेना तो यार हाँ छेना सबसे बेस्ट जो बनता है ये बनता है गाय का, ठीक है। अगर बात करते हैं छेना तो छेना सबसे बेस्ट बनता है गाय का, लेकिन अगर बात करते हैं खोआ, ठीक है, जिसे देसी भाषा में बोला है मावा, तो यहाँ खोआ या फिर मावा होता है, तो ये जो सबसे बेस्ट बनता है ये बनता है भैंस के दूध का। एक और बार देख लीजिए कि अगर बात करते हैं छेना तो यहाँ छेना तो किसका सबसे बेस्ट बनता है, ये बनता है गाय के दूध का, लेकिन अगर बात करते हैं खोआ या फिर मावा तो ये सबसे बेस्ट बनता है भैंस के दूध का बनता है, ठीक है। याद रहेगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, छिपी हुई गर्मी अर्थात साइलेंट हीट किसमें पाई जाती है, ठीक है। छिपी हुई गर्मी या फिर साइलेंट हीट किसमें पाई जाती है, तो साइलेंट हीट देखी जाती है भैंस में। किसमें देखी जाती है, भैंस में देखी जाती है। अब ये होती क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि साइलेंट हीट यार हाँ भैंस में तो पाई जाती है, लेकिन होती क्या है, यहाँ जब हीट में आती है, ठीक है, जब भैंस हीट में आती है तो इसके किसी भी लक्षण को ये दर्शाती नहीं है, इसलिए यहाँ इसे बोला जाता है साइलेंट हीट, अर्थात यार हीट के आने से पहले उसके किसी भी लक्षण को प्रदर्शित नहीं करना ही कहलाता है, साइलेंट हीट कहलाता है। और ये मेन कैरेक्टर किसका होता है, ये होता है भैंस का होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पशु गणना कितने सालों में एक बार की जाती है, तो इसलिए आपको पता होगा यार हाँ कि एक बार की जाती है 5 सालों में। कितने सालों में की जाती है, हाँ जो पशु गणना की जाती है ये की जाती है 5 सालों में एक बार की जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आज के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो कि आपको डायरेक्ट कमेंट करना है, जो अभी जो रिसेंटली हुई थी 2019 में पशु गणना, ये कौन सी पशु गणना थी, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। 2019 में जो पशु गणना हुई थी ये कौन सी थी, आपको यानी संख्या बतानी है, 21वीं थी, 19वीं थी, 20 थी, यार कौन सी थी, ठीक है। 2019 में जो भी पशु गणना की गई थी ये कौन सी नंबर की थी, ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है, लाइव चैट में आप कमेंट नहीं करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो दूध की कीमत निर्भर करती है, तो इसे हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि दूध की कीमत, जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि मान लीजिए आप डेयरी में दूध देने जा रहे हो, तो वो डेयरी वाले लेते हैं यार हाँ उसकी फैट कंटेंट को ज्ञात करना है, ठीक है। जो डेयरी वाले होते हैं, जो भी उसको दूध को ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी फैट को ज्ञात करते हैं, और इस फैट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसकी दूध की कीमत आपको देते हैं। अर्थात यहाँ दूध की जो कीमत दी जाती है ये किस पर निर्भर करती है, ये करती है फैट पर करती है, अर्थात वसा पर करती है, ठीक है। याद रहेगा कि कीमत किस पर निर्भर करती है, ये करती है दूध की फैट पर करती है, कि फैट अगर ज़्यादा होगी तो आपको कीमत उसकी ज़्यादा दी जाएगी, अगर फैट ही कम होगी तो आपको कीमत भी कम मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सर आप सोचेंगे, कोप्रोफेजी किस पशु की सामान्य आदत होती है, तो यहाँ अगर बात करते हैं कोप्रोफेजी तो ये होती है खरगोश की होती है, किसकी होती है, रैबिट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे गए, भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का योगदान होता है, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया जो टोटल इनकम होती है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र, ठीक है, एग्रीकल्चर जो फील्ड में जो टोटल इनकम होती है, तो उसमें कितना परसेंट योगदान यहाँ पशुपालन का होता है, तो यहाँ अगर बात करते हैं पशुपालन, तो यहाँ जो टोटल कृषि क्षेत्र होता है, तो इसकी प्राप्त आय में पशुशाला अर्थात पशुपालन का कितना होता है, ये होता है 27% होता है, कितना होता है हिस्सा, इसका होता है 27% हिस्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के उठते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो राष्ट्र क्वेश्चन आपसे पूछा है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इजी क्वेश्चन है, आपको ये इसलिए पता होगा, यहाँ अगर बात करते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पड़ता है, हिसार हरियाणा में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है हिसार हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को कर देना है आपके दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर डॉक्टर, जब तक लीजिए ही से भारत, बाय बाय, टेक केयर।